Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं VC Andrews Ruby सीरीज के सेकंड पार्ट यानी कि Pearl in the Mist के बारे में। दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके देख लेना, नहीं तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर दे दूंगी। फिलहाल बात करते हैं इस पार्ट के बारे में। दोस्तों, इस पार्ट की IMDb रेटिंग है 6.6 out of 10 और ये पार्ट फर्स्ट पार्ट के एक महीने बाद स्टार्ट होता है। साल है 1962। रूबी को न्यू ऑर्लीन्स में आए हुए पूरा एक साल हो चुका है। बो के साथ उसका रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा है, जिसेल भी पहले से काफी बेहतर है। हाँ, वो अभी भी चल नहीं सकती, उसे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है, मगर उसका घमंड बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वो अभी भी रूबी से उतनी ही नफरत करती है। उसका तो मन ही नहीं अपने पुराने स्कूल बॉयफ्रेंड्स और अपने दोस्तों को छोड़कर रूबी के साथ एक ऑल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में जाने का, मगर मिस्टर डूमा का कहना तो उसे मानना ही था। तो दोनों बहन जा पहुंचते हैं दी मोस्ट फेमस ग्रीनवुड बोर्डिंग स्कूल में। हमें पता चलता है यहाँ पर एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन और बिहेवियर पर भी जोर दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ बड़े घर के बच्चे ही आते हैं, जिनका ब्रिंगिंग पॉलिश्ड वे में की गई है, क्योंकि इस स्कूल के हेडमिस्ट्रेस मिसेस आयरनवुड को लगता है कि ये स्कूल सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास के लिए है, जहाँ किसी भी गंदगी की कोई जगह नहीं। नो मिक्स्ड रेस, नो हाफ ब्रेड। इस स्कूल में अल्कोहल ड्रग्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नो लाउड म्यूजिक, ना शाम होने के बाद स्कूल बिल्डिंग से बाहर जाना और ना किसी लड़के के साथ मिलना झुलना। जिसेल को तो ये स्कूल किसी जेल से कम नहीं लगता। वो तो पहले दिन से ही इन रूल्स को तोड़ने में बिजी हो जाती है। मगर रूबी को लाइफ में पहली बार ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिल रहा था। वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल थी। साथ में उसे यहाँ अपनी पेंटिंग कंटिन्यू करने का भी मौका मिलता है। ड्राइंग टीचर मिस स्टीवंस को रूबी के पेंटिंग्स काफी पसंद आते हैं। वो उसके टैलेंट को एनकरेज भी करते हैं, मगर सबकी मेंटालिटी तो ऐसी नहीं होती। किसी किसी को तो इंसान के इंसानियत से भी ज्यादा, उसके टैलेंट से भी ज्यादा उसके बैकग्राउंड से, अतीत से मतलब होता है। जैसे मिसेस आयरनवुड, पता चलता है डेफनी ने पर्सनली उन्हें कॉल करके रूबी के अतीत के बारे में, उसके नेटिव कनेक्शन के बारे में इन्फॉर्म किया है। मिसेस आयरनवुड पहले से ही काफी जजमेंटल नेचर के थे। डूमा सरनेम होने के कारण किसी गलती के बिना वो रूबी को स्कूल से निकाल तो नहीं पाते, मगर ये डिटेल्स मिलने के बाद से ही वो रूबी को लेकर कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल हो जाते हैं। बेमतलब उसके बिहेवियर को स्क्रूटिनाइज करने लगते हैं। ऐसे सफोकेटिंग कंडीशन में रूबी के बस एक ही दोस्त थी, एबी, एक ब्यूटीफुल ऑलिव स्किन गर्ल। वो एक हाफ निग्रो थी जो स्कूल में किसी को नहीं पता, नहीं तो उसे यहाँ पर एडमिशन ही नहीं मिलता। वो दोनों ही यहाँ के झूठे सोशल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फ्लॉट थे, इम्प्योर थे, शायद इसीलिए उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी। नेक्स्ट डे न्यू स्टूडेंट्स को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के घर इनविटेशन मिलता है, मिसेस क्लेयर बॉर्न। उनके ही परिवार ने इस स्कूल को स्टार्ट किया था और आज भी वो इस स्कूल के डोनर है। क्लेयर बॉर्न हाउस में घूमते वक्त रूबी नोटिस करती है इस घर में हर घड़ी 5:02 पर बंद हो चुकी है। उसे कहीं से पियानो की आवाज सुनाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए वो एक रूम में जा पहुंचती है। वहां एक यंग लड़का पियानो बजा रहा था। इसका नाम है लुई, मिसेस क्लेयरबॉर्न का पोता, और ग्रीनवुड के हेड मिस्ट्रेस मिसेस आयरनवुड उसकी मौसी हैं। लुई आंखों से तो अंधा है, मगर उसे स्कूल के बारे में सब कुछ पता है, हर एक डिटेल्स। इवन वो तो रूबी के प्रेजेंस से ही उसका नाम बता देता है। कुछ देर बाद रूबी बाकी लड़कों के साथ स्कूल से लौट आती है। उसे पता चलता है इस लड़के के बारे में एक डार्क सीक्रेट है, जो मिसेस क्लेयर बॉर्न सबसे छुपाने की कोशिश करती हैं। कहा जाता है लुई के पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई सालों पहले, और उसके बाद से लुई अंधा हो गया, मगर कैसे यह हार्डली किसी को पता है। अब राज जितना गहरा हो उतना ही उसके बारे में र्यूमर्स फैलती है। रूबी को भी सच्चाई जाननी थी, जो उसे जिसेल बताने का प्रॉमिस करती है, मगर बदले में उसे एबी का राज जानना था। शायद उसे कुछ भनक लग गई थी, लेकिन रूबी अपने बहन को अच्छी तरीके से पहचानती है, उसके ब्रुटैलिटी को भी, तो वो एबी को कुछ भी कहने से मना करती है। मगर उसे ज्यादा वेट करना नहीं पड़ता। अगले दिन ही रूबी को अपने आर्ट टीचर से इस राज के बारे में पता चल जाता है। रूमर ये है कि लुई के माँ का अफेयर एक काफी यंग लड़के से था। जब उसके हस्बैंड को पता चला, उन्होंने उसे मारकर खुद सुसाइड कर ली, ठीक सुबह 5:02 पे। तब से उन क्लॉक्स को उस टाइम पे बंद रखा गया है। लुई ने इस भयानक हादसे को अपने आंखों से देखा, जो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। शॉक के कारण वो कोमा में चला गया। कुछ हफ्ते बाद उसका सेंस तो लौटा, मगर वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुका था।
इसके अगले दिन ही रूबी को लुई से इनविटेशन मिलता है क्लियरबॉर्न हाउस में। भले ही मिसेस क्लियरबॉर्न अपनी खुशी से राजी नहीं होते, मगर लुई पहली बार कोई दोस्त बना रहा था तो वो मना भी नहीं कर पाते। रूबी और लुई में एक दोस्ती फॉर्म होने लगती है। रूबी उसे एक साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लेने की सजेशन भी देती है क्योंकि उसके आंखें बिल्कुल ठीक थे। जो हुआ वो एक इमोशनल ट्रॉमा के कारण हुआ, तो हो सकता है बाद में ट्रीटमेंट लेने से उसकी आंखें ठीक हो जाए। लुई को रूबी की कंपनी अच्छी लगने लगती है। रूबी उसके लाइफ में पहली लड़की थी। वो उसे देख तो नहीं सकता, तो उसके चेहरे को छू कर आइडिया लगाने की कोशिश करता है कि वो कैसी दिखती है। उसने आज तक कभी किसी लड़की को किस भी नहीं किया, तो रूबी उसे एज अ फ्रेंड किस करने की परमिशन भी देती है। मगर उसके अजीब हरकतों से रूबी को हंसी आ जाती है। वो हंस देती है, मगर इससे लुई बुरा मान जाता है। उसे लगता है रूबी उसका मजाक बना रहा है, तो वो रूबी को वापस जाने के लिए कह देता है। उधर नेक्स्ट डे रूबी से मिलने आता है बो, जिसे लुई के बारे में बताकर उनके बीच फूट डालने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश करती है मगर सक्सेसफुल नहीं हो पाती। उनका प्यार सच्चा था और वो लोग एक दूसरे पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे। देखते देखते और कुछ दिन बीत जाते हैं। वक्त आ जाता है इस स्कूल के एनुअल फंक्शन का। हर साल की तरह इस साल भी पास वाले एलीट ऑल बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है। मगर प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले जिसेल अपने साथियों के साथ मिलकर डिसाइड करती है एबी को क्वीन बनाया जाएगा। अनाउंसमेंट तो पार्टी में ही होगा, मगर तब तक उसे एक रोज अपने साथ रखना होगा क्राउन की तरह। जिसेल के इतने अच्छे बिहेवियर से रूबी को शक होता है, वो कब से इतनी फ्रेंडली बन गई। और जब पार्टी में वो नोटिस करती है कि कोई भी लड़का एबी को अप्रोच नहीं कर रहा, उसे देखकर ऐसे भाग रहा है जैसे बिजली का झटका लगा हो, तभी रूबी को यकीन हो जाता है कि जिसेल ने कुछ जरूर खेल खेला है। वो जिसेल को कन्फ्रंट करती है और तभी जिसेल सबके सामने ये अनाउंस कर देती है कि एबी एक हाफ निग्रो है। ये रोज उसके उसी इम्प्योरिटी का निशान है। उसने पहले से ही सबको बता दिया था और इसीलिए सारे लड़के उसे इग्नोर कर रहे थे। मिसेस आयरनवुड वहीं पर खड़ी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। मगर जब रूबी गुस्से में जिसेल को धक्का देकर फेंक देती है, तब उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उन्हें मिक्स्ड ब्लड से नफरत जो है। पूरे स्कूल के सामने एबी को बदनाम होना पड़ता है। वो समझ चुकी थी आज या फिर कल कोई फालतू का एक्सक्यूज देकर आयरनवुड उसे स्कूल से निकाल जरूर देंगे। इससे पहले वो खुद ही स्कूल छोड़कर चली जाती है। रूबी फिर से एक बार अकेली पड़ चुकी थी। जिसेल ने उसके एक लौते दोस्त को भी छीन ली, मगर उसे एबी के बारे में आखिर पता कैसे चला। पूछने पर जिसेल डायरेक्टली कहती है उसने एबी के कमरे में घुसकर उसके लेटर्स चुराए थी। ना जाने वो और कितने नीचे गिर सकती है। उसी दिन रूबी को फिर से लुई से बुलावा मिलता है। वो राजी नहीं होती क्योंकि लुई के लास्ट टाइम के बिहेवियर से वो अभी भी अपसेट है। मगर जब उसे पता चलता है लू की आईसाइट लौटने लगी है, तो वह बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी जा पहुंचती है क्लियरबॉर्न हाउस। वहां बातों बातों में उसे इस घर के असली राज के बारे में पता चलता है, जो काफी नैस्टी था। राज ये है कि लू की माँ एक निम्फोमेनियक थी। वह अपने ही बेटे को यूज करती थी अपने डिजायर को पूरा करने के लिए। लुई तब बहुत छोटा था, वो तो कुछ भी समझ नहीं पाता था। मगर एक दिन उसके पिता ने यह सब देख लिया। उन्हें लगा लुई भी ये सब एंजॉय कर रहा है। उसने लुई को बहुत मारा, बेल्ट से व्हिप किया, इवन अपने पत्नी को भी मारा। लेकिन वो औरत रुकने वालों में से नहीं थी। उसने अपने बेटे को छोड़कर एक दूसरे लड़के को घर बुला लिया, जो लुई के पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और खून कर दिया उनका। लुई दोस्ती के खाते रूबी को सब सच बता दिया, मगर सब कुछ सुनकर रूबी बिल्कुल स्टंट हो चुकी थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी वो लुई को कंसोल कैसे करे। उधर स्कूल में उसके लिए भी एक बैड न्यूज वेट कर रही थी। वो ये है कि उसके पिता मिस्टर डूमा की मौत हो चुकी है हार्ट अटैक से। दोनों बहन घर वापस जाती हैं। डेफनी उन्हें विल के बारे में बताती है, साथ में ये भी कहती है कि वो इसके बाद से मिस्टर डूमा के भाई अंकल जॉन, जो मेंटल असाइलम में रहते हैं, उनके देखभाल और नहीं करेंगी। डेफनी तो उसे इंसान ही समझती नहीं थी। रूबी को यह बात बहुत खटकती है। वो उसी दिन असाइलम जाती है अंकल जॉन से मिलने। उसे याद है उसके पिता अपने भाई से कितना प्यार करते थे, मगर उनकी कंडीशन देखकर रूबी को बहुत खराब लगता है। डेफनी ने पैसा भेजना बंद कर दिया, तो ये लोग भी जॉन को नेगलेक्ट करने लगे थे। रूबी घर वापस आकर डेफनी पर बहुत चिल्लाती है। इससे फायदा कुछ नहीं होता, उल्टा रूबी से अपने पिता के फ्यूनरल में जाने का अधिकार छीन लिया जाता है। इसमें रूबी कुछ कर नहीं सकती थी सिवाय रोने के, तो वो अपने कमरे में बैठकर अपने ही किस्मत पर रोने लगती है। तभी बो आता है उससे मिलने, उसका मूड ठीक करने।
अभी सिर्फ यह बो ही था जो उसका अपना था, तो इस बार रूबी और खुद को नहीं रोकती, वो बो के साथ इंटीमेट हो जाती है। दो दिन बाद जब वो स्कूल लौटती है, उसे बहुत लोनली फील होने लगता है। वो अकेले घूमने लगती है इधर उधर, उसे ख्याल ही नहीं रहता कब शाम ढल चुकी थी। इस वक्त उसकी मुलाकात होती है इस स्कूल के ग्राउंड कीपर बक से। वो उसे डॉर्म में वापस जाने को कहता है। इससे पहले भी कई बार रूबी से उसकी मुलाकात हो चुकी है, मगर इस बार ना जाने की वो बक उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था, जिसका मतलब उसे नेक्स्ट डे पता चलता है। नेक्स्ट डे रूबी को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। मिसेस आयरनफुट उस पर इल्जाम लगाती है कि रूबी कल शाम 7:30 बजे बोट हाउस में बक के साथ इंटीमेट हुई थी। इसका आई विटनेस भी है, इसी स्कूल का एक क्लर्क। रूबी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है, साथ में नाराज भी, मगर जिसेल बहुत खुश थी। उसे एट एनी कॉस्ट इस स्कूल से निकलना था। अगर रूबी को निकाल दिया जाए तो डेफनी उसे भी जरूर स्कूल में नहीं रखेगी। वो पैकिंग करने लगती है। दोपहर 1 बजे हियरिंग स्टार्ट होती है। वो क्लर्क सबके सामने एक्सप्लेन करती है उसने क्या देखा, वो भी इन डिटेल्स। रूबी बार बार कहती है वो उस समय क्लियरबॉर्न हाउस में थी, मगर उसके बाद कोई नहीं मानते। फाइनली मिस स्टीवंस लुई को लेकर आते हैं। वो रूबी के सपोर्ट में गवाही देता है, तब जाकर मिसेस आयरनवुड रूबी को स्कूल में वापस लेते हैं। लेकिन रूबी इस एलिगेशन को लेकर बहुत सीरियस थी। वो उस क्लर्क से बात करने जाती है जो अपने स्टेटमेंट के बारे में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। उसने रूबी को ही देखा है। उनके कॉन्फिडेंस को देख रूबी को शक होता है, कहीं वो जिसेल तो नहीं। वो चोरी छुपे जिसेल के कमरे में चेक करने जाती है, तो उसे वही जूते मिलते हैं जिसके बारे में वो क्लर्क बोल रहे थे। उसे ये भी पता चलता है जिसेल चल सकती है, उसके लेग्स बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मतलब बक के साथ कल रात वो ही थी। सिर्फ कल रात ही नहीं, उसने रूबी का नाम इस्तेमाल करके बक के साथ इससे पहले भी कई बार इंटीमेट हो चुकी है। सभी को लगता था जिसेल हैंडीकैप्ड है, तो सारा दोष रूबी पर ही गया। अपने बहन के करतूतों से हैरान रूबी जब सबको बताने की धमकी देती है, तो जिसेल उल्टा उसे मिस स्टीवंस को लेकर डराती है। उसे पता है मिस स्टीवंस रूबी की फेवरेट टीचर है, मगर रूबी को नहीं पता कि वो एक होमोसेक्सुअल है। अगर मिस आयरनवुड को ये सच पता चल जाए तो उनकी नौकरी तो गई। रूबी बात को और नहीं खींचती। क्रिसमस का समय था, दोनों बहन घर जाते हैं और उन्हें पता चलता है उनकी माँ डेफनी दूसरी शादी कर रही है। हाँ, उनके पिता के मौत को 2 महीने भी नहीं हुए। इसी बीच इसमें इन दोनों को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसेल बॉयज को लेकर बिजी हो जाती है और रूबी बो को लेकर। कुछ दिन बहुत अच्छे बीतते हैं, मगर छुट्टी खत्म होने के बाद जब वो स्कूल लौटते हैं, रूबी को पता चलता है मिस स्टीवंस ने स्कूल छोड़ दिया है। किसी ने उनका राज रिवील कर दिया है। रूबी भली भांति जानती थी ये किसका काम हो सकता है, तो वो डायरेक्टली जिसेल को कन्फ्रंट करने जाती है। मगर तभी अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है, वो उल्टी करने लगती है। उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है और हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। रूबी घर जाती है तो डेफनी उसे उसके पिता के विल से भी बाहर कर देती है। उसे मजबूर करती है अबॉर्शन करवाने के लिए। इवन उसे बो से मिलने से भी रोका जाता है, क्योंकि बो के पेरेंट्स ने साफ साफ कह दिया है कि अगर बो ने रूबी के साथ कोई भी रिलेशन रखा तो उसे भी परिवार से अलग कर दिया जाएगा। फिर भी बो रूबी का साथ नहीं छोड़ता, वो इस बच्चे का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार है। वो रूबी को उसके साथ भागने को कहता है, मगर रूबी इतनी सेल्फिश नहीं बन सकती थी। उसके लिए बो का लाइफ बर्बाद हो जाए ये वो कभी भी होने नहीं देगी, तो वो बो से ब्रेकअप कर लेती है। दूसरी बार उसे बिना वजह अपना प्यार सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था। मगर सब कुछ खोकर भी रूबी डिसाइड करती है वो इस बच्चे को जन्म देगी। वो डूमा हाउस छोड़कर अपने गांव वापस चली जाती है, कॉल करती है पॉल को और उसके मदद से एक न्यू लाइफ स्टार्ट करती है। ग्रैंडफादर जैक की मौत हो चुकी है, तो उनसे एटलीस्ट और कोई खतरा नहीं। पॉल अभी भी उससे उतना ही प्यार करता है, मगर रूबी उसका फादर नहीं उठाती। वो अपने नानी के टूटे फूटे घर में ही रहने लगती है। अपनी नानी की ही तरह पिकल्स बेच के पेंटिंग्स बना के अर्न करती है। देखते देखते 9 महीने बीत जाते हैं। एक दिन उनके गांव में एक बहुत ही भयानक तूफान आता है। पॉल रूबी को अपने घर ले जाना चाहता था सेफ्टी के लिए, मगर रूबी नहीं जाती। उसी घर में तूफान के बीच वो एक फूल सी बच्ची को जन्म देती है, नाम रखती है पर्ल। इसी बीच रूबी को जिसेल से एक लेटर मिलती है। उसे पता चलता है वो फ्रांस में एक लड़की को डेट कर रहा है। वो लोग बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं, मतलब वो मूव ऑन कर चुका है। लेकिन इधर पॉल 2 साल बाद भी सिर्फ उसके लिए ही वेट कर रहा है।
वो अभी भी रूबी से उतना ही प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। वो रूबी से शादी करना चाहता है, ख्याल रखना चाहता है रूबी और पर्ल का। लेकिन क्या रूबी उसे ये हक देगी? क्या जिसेल से रूबी की दुश्मनी खत्म हो चुकी है? क्या इसके आगे रूबी के लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर उसे फिर से एक बार अपने मिजरेबल फेट का सामना करना पड़ेगा? वो जाने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बहुत जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।